नमस्ते दोस्तों, सोचिए एक 10 साल का बच्चा जो आजकल सोशल मीडिया पर रिलीजियस गुरु बन गया है 9 मिलियन फॉलोवर के साथ। पर क्या ये सच में एक बाबा बन गया है या फिर उसके पीछे एक नया बिजनेस मॉडल का हाथ है जिसमें धार्मिक ब्रांडिंग और फॉलोअर्स के नाम पर इनकम जनरेट की जा रही है। लेकिन अपने जद्दू गोपाल जी के शॉपिंग कहाँ से करें? आज मैं आपको लेकर के आया हूँ प्रियंका बंसल की विलेज शॉप पर। यहाँ पर आप देवी देवताओं के लिए, अपने जद्दू गोपाल जी, अपने ठाकुर जी के लिए ब्रांडेड वस्त्र खरीद सकते हैं। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि किस तरह रिलीजन को एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी में तब्दील करके लाखों कमाया जा सकता है। हाँ, हम अभिनव की तरह एक्टिंग नहीं करेंगे बल्कि कुछ सॉलिड बिजनेस आइडिया देंगे जो आपको लाखों कमा कर देगा। तो कुल मिलाकर वीडियो को बिना भगाए ध्यान से देखिएगा क्योंकि हम कंट्रोवर्सी पर नहीं बिजनेस पर फोकस करेंगे। दोस्तों, सोशल मीडिया पर पाल संत अभिनव अरोरा के नाम से मशहूर एक 10 साल का लड़का आज हर जगह चर्चा में है। धर्म के नाम पर वायरल वीडियोस, लाखों फॉलोअर्स और रिलीजियस गुरु बनने का ये मॉडल अब नया बिजनेस आइडिया के रूप में देखा जा रहा है। ये एक अजीब बिजनेस अप्रोच है जिसमें रिलीजन का यूज करके एक मैसिव ऑडियंस और ब्रांड बनाया जा रहा है। आज हम इसके पहलुओं पर नजर डालेंगे और देखेंगे कि किस तरह ये एक बिजनेस की तरह काम करता है। दोस्तों, एक टाइम था जब अभिनव सिर्फ अपनी लाइफ स्टाइल वीडियो अपलोड करता था, लेकिन धीरे धीरे उसके पेरेंट्स ने इससे रिलीजियस ब्रांड बनाने पर फोकस किया। अब वो एक पैरट की तरह, यानी तोते की तरह कुछ स्पेसिफिक लाइंस बोलता है जो बिल्कुल एक मार्केटिंग पिच जैसी लगती है। ये अभिनव को एक अलग इमेज और इन्फ्लुएंस दे रही है जो कि उनके फॉलोअर्स और व्यूज को बढ़ावा दे रही है। सोशल मीडिया पर अभिनव के 9 मिलियन फॉलोअर हैं जो उनका कंटेंट रिलीजियस इंस्पिरेशन के रूप में देखते हैं और इस तरह उनका एक रेवेन्यू स्ट्रीम भी जनरेट हो रहा है। रिलीजियस ब्रांडिंग का इम्पैक्ट इंडिया में बहुत बड़ा है। जब लोग धर्म के नाम पर फॉलोअर बनाते हैं तो उनका एक लॉयल ऑडियंस बेस तैयार हो जाता है जो सिर्फ कंटेंट ही नहीं बल्कि रिलीजियस प्रोडक्ट्स और डोनेशन भी देने के लिए तैयार होता है। ये एक पावरफुल बिजनेस आइडिया है जो गांव जैसे एरिया में भी काम करता है क्योंकि वहां धार्मिक विचारों का इम्पोर्टेंस हाई होता है। अभिनव के फॉलोअर्स उसके कंटेंट को रिलीजियस बिलीफ से जोड़कर देखते हैं, इस वजह से वो एक ब्रांड बन गया है जो सिर्फ वीडियो के व्यूज से नहीं बल्कि डायरेक्ट डोनेशन और इवेंट्स में शामिल होने से भी रेवेन्यू जनरेट करता है। ये एक रिलीजियस ब्रांडिंग का नया रूप है जिसमें स्पिरिचुअलिटी को एक प्रॉफिट मॉडल में कन्वर्ट किया जा रहा है। अब बात आती है कि आप इस फील्ड में कैसे पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि आप तो बाबा बनना नहीं चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हो? दोस्तों, आप अपने एरिया के लोगों का ध्यान किसी स्पेसिफिक इमोशन या बिलीफ की तरफ अट्रैक्ट करते हैं तो वहां से आप एक एंगेज्ड ऑडियंस और इनकम स्ट्रीम क्रिएट कर सकते हैं जैसे अभिनव और उसकी टीम ने किया है। अब इस चीज को हम आगे वीडियो में और डिटेल में बताएंगे। स्वामी राम भद्राचार्य का अभिनव को स्टेज से नीचे उतारना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सवाल उठाता है कि किस तरह लोग रिलीजन के नाम पर वायरल हो रहे हैं। ये एक नई स्ट्रेटजी है जिसमें यंगस्टर और उनके परिवार धार्मिक रोल में इमेज क्रिएट करते हैं जो भक्ति और फेथ की ब्रांडिंग को मोनेटाइज करता है। जैसे हम लोग वीडियो डालकर YouTube पर चैनल मोनेटाइज करते हैं, वैसे नए बाबा लोग अपनी बातों से अपना ब्रांड मोनेटाइज करते हैं। देखो, आप बहुत से इस टॉपिक पर वीडियो देखे होंगे और सब उस बच्चे को घसीट रहे हैं तो कहीं उसके परिवार को भी, लेकिन मैं यहाँ पर अब आपको एक डेटा दिखाना चाहूंगा। भारत में हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या देश की कुल आबादी का 79.8% है, यानी भारत में करीब 96.8 करोड़ लोग हिंदू धर्म को मानते हैं और यही वजह है कि अभिनव जैसे नए बाबा बहुत जल्दी फेमस हो जाते हैं। और यहाँ तक कि अभिनव के पीछे थोड़ा मेहनत किया गया था, जैसे उन्हें क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कहाँ जाना है, तो वीडियो बनाना है, सब कुछ स्क्रिप्टेड था जिससे अभिनव बहुत जल्दी और वायरल होने लगा। दोस्तों, आइए हम जानते हैं इस तरह के जुड़े बिजनेस मॉडल के बारे में जिससे आप भी अभिनव की तरह नहीं बल्कि एक बिजनेस के साथ शुरुआत कर सकते हैं। पहला, धार्मिक मर्चेंडाइज का व्यापार। रिलीजियस बिलीफ्स और रीजनल डाइटीज के नाम पर स्पेशल टी शर्ट, मग, पोस्टर और बैग्स जैसे आइटम डिजाइन करें। ये प्रोडक्ट धार्मिक मेला, मंदिर के आसपास या ऑनलाइन भी सेल किया जा सकता है। एग्जाम्पल, जैसे राधा कृष्ण या हनुमान के कोट्स और इमेज के साथ टी शर्ट या फिर शिव भक्त के नाम पर हुडी कलेक्शन। और ऐसे स्टाइलिश कपड़े का डिमांड भी बहुत है। अब आप बोलोगे क्यों इसे लोग पहनना चाहेंगे, तो इमोशनल और रिलीजियस कनेक्शन से लोग जल्दी जुड़ते हैं और ऐसे प्रोडक्ट को बाय करना उनके लिए गर्व की बात होती है। खासकर बच्चे कुछ ज़्यादा ऐसे कपड़े पहनते हैं क्योंकि बच्चे को क्या पहनना है ये उनके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं, तो आप बच्चों के लिए रिलीजियस स्टाइल्स कपड़े
कपड़े तैयार कर सकते हैं। दूसरा, धार्मिक ऑडियो वीडियो कंटेंट क्रिएशन। एक यूट्यूब चैनल या पॉडकास्ट बनाएं जहां धार्मिक कहानियां, भजन और ओरिजिनल फोल्क टेल्स शेयर किया जाए। यहां से आप स्पॉन्सरशिप और एड रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, डेली हनुमान चालीसा या मॉर्निंग भजन सीरीज, जहां रोज नए धार्मिक ऑडियो क्लिप्स या भजन अपलोड किया जाए। अब आपके दिमाग में सवाल होगा कि ये काम क्यों करेगा, तो मॉर्निंग रूटीन में भजन सुनना बहुत लोगों को पसंद है और लोग काम करते करते इसे सुनते हैं, तो इस हिसाब से आपका एंगेजमेंट जो वीडियो का है वो बहुत ज़्यादा तगड़ा होगा, जिससे वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल होगा और आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। थर्ड, कस्टमाइज धार्मिक प्रोडक्ट पैकेजिंग। आप पूजा के सामग्री या रिलीजियस इवेंट आइटम जैसे दिया, कपूर, इंसेंस स्टिक्स को पर्सनलाइज्ड पैकेजिंग में बेचने का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जिसमें हर एक त्यौहार का पूरा मटेरियल उस एक बॉक्स में होगा, जिससे लोगों को जगह जगह जाकर ढूंढना ना पड़े। एग्जांपल के लिए लक्ष्मी पूजा किट या नवरात्रि स्पेशल बॉक्स, जो हर स्पेसिफिक फेस्टिवल के हिसाब से कस्टमाइज किया गया हो। इस पर एक फुल वीडियो बन सकता है, अगर आप चाहो तो आप कमेंट बता दीजिएगा, मैं उस पर जरूर बनाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही कमाल का बिजनेस आइडिया है। बहुत से लोग शुरू भी किए हैं हमारे मार्केट में, मैं उन्हें पर्सनली जानता हूँ। अगर आप चाहें तो कमेंट में बताइएगा, मैं जरूर बनाऊंगा उस पर एक वीडियो, बहुत मजा आएगा। चौथा, धार्मिक डिजिटल कोचिंग या मेडिटेशन क्लासेस। दोस्तों, अगर आप या आपके आसपास कोई एक्सपर्ट है तो स्पिरिचुअलिटी या मेडिटेशन के क्लासेस शुरू कर सकते हैं। ये क्लासेस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से ऑपरेट किया जा सकता है। एग्जांपल, शांति से परिचय नाम का एक पेड वेबिनार सीरीज, जहां लोगों को मेंटल पीस और स्ट्रेस कैसे कम किया जाता है ये सिखाया जाए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो स्ट्रेस से बहुत परेशान है, डिप्रेशन में है, उन्हें आप बाहर निकाल सकते हैं और वहां से आप एक अच्छा चार्ज कर सकते हैं, लोग देने में भी मनाही नहीं करेंगे। पांचवा, रीजनल फेस्टिवल सर्विस। गांव या छोटे शहरों में लोग फेस्टिवल को शानदार तरीके से मनाते हैं। आप एक सर्विस शुरू कर सकते हैं जो ये इवेंट मैनेजमेंट और फेस्टिवल डेकोरेशन का काम करे। एग्जाम्पल के लिए दिवाली डेकोर पैकेज, जिसमें पूरे घर की सजावट, रंगोली और लाइट सेटअप किया जाए, या फिर छठ पूजा सेटअप, जो गांव के लोगों को अपने इवेंट्स को ग्रैंड बनाने में हेल्प करे। आप कहोगे लोग अपने से नहीं मना लेंगे क्या, तो फेस्टिवल पर स्पेशल और ट्रेडिशनल डेकोर से लोग इमोशनल और फेस्टिव तरीके से जुड़ते हैं, और जब त्यौहार इतना बड़ा हो तो लोग ज़्यादा सोचते नहीं है, और जब गांव के कुछ घर के लोग इस तरह के डेकोरेशन करवाएंगे तो ज़्यादा चांस है कि और लोग भी आपसे जुड़ेंगे, क्योंकि गाँव में क्या होता है कि जब लोग देखते हैं कि अगला आदमी कर रहा है तो वो खुद भी करना चाहते हैं, और जब अच्छा आप देंगे, अच्छी सुविधा देंगे, तो लोग जरूर आपके पास आएंगे और जरूर आपसे करवाएंगे। छठा, कस्टमाइज पैकेजेस। दोस्तों, हम जब भी कहीं घूमने जाते हैं तो प्लान करते हैं, और इसलिए कई कंपनी है जो हमें हेल्प भी करती हैं। इसी तरह आप एक ऐसा बिजनेस मॉडल बना सकते हैं जिसमें लोग कहीं भी दर्शन करने या तीर्थ यात्रा जा रहे हैं तो आप जाने से लेकर आने तक का एक ट्रिप बुक कर सकते हो। ज़्यादा लोग भी होंगे तो सभी 500 रुपये चार्ज कर सकते हैं पर व्यक्ति के हिसाब से, जैसे अयोध्या जा रहे हैं तो। और एक काम और कर सकते हैं, जैसे कोई एक प्लेटफॉर्म बनाइए, जैसे कि स्टेशन या एयरपोर्ट पर आप टिकट बुक कराकर घूमने या यात्रा पर निकल जाते हो, ठीक उसी तरह लोग इस प्लेटफॉर्म से तीर्थ यात्रा जा सकते हैं, जिससे एक बार में ज़्यादा लोग जाएंगे, और ज़्यादा लोग जाएंगे मतलब अच्छा पैसा बनाएंगे। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि लोग टूर पर जाते हैं तो ना फैमिली को दिक्कत होता है और ना ही जो जा रहा है उसको, क्योंकि इसमें आपका फुल प्री प्लान मतलब पहले से ही तय रहता है कि आपके घर से गाड़ी आपको उठाएगी और जितने भी खाने पीने वाली चीज़ें बस में मिलेंगे वो सब फ्री रहता है। और इस बिजनेस मॉडल में ज़्यादातर आपको सीनियर सिटीजन मतलब ज़्यादा उम्र के लोग मिलेंगे, क्योंकि उन्हें कोई दर्शन कराने वाला या फिर ले जाने वाला यात्रा पर नहीं होता है, तो इस तरह से वो काफ़ी कम पैसों में आप उनको दर्शन कराकर यहां से अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो ये सब आपको बिजनेस आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगा। और कोई ऐसा बिजनेस आइडिया था जो मुझसे छूट गया हो इसी कंटेंट से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट में बताएगा ताकि और लोग भी उसके बारे में जान सकें। और अगर आप गाँव से रिलेटेड और बिजनेस आइडिया के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए, मैं आपसे वहीं मिलूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।